हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के लिए 3 और 4 जून कैसा रहने वाला है आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आप इन 2 दिनों में कौन से क्षेत्रों में वे कौन से कार्य हैं और किस प्रकार से आप समाज में अपने कलक्ष व अलग पहचान बना सकते हैं, समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपके किस प्रकार से इज्जत कर सकते हैं, आपके मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा में किस प्रकार से बढ़ोतरी होंगे आपको बताएंगे। आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है और नौकरी पेशा वाले जातक हैं तो आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं और आपको कौन से महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी आवश्यक होंगे आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन 2 दिनों में होने वाले उन सभी क्रियाकलापों के बारे में आपको पता हो सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में नए लोगों के साथ मिलने के मौके मिलेंगे इन 2 दिनों में। यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायिक संदर्भ में आपको लाभ हो सकते हैं, आपको बहुत सारे अच्छे फायदे होंगे। भागीदारों के लिए व्यवसाय विस्तार के संदर्भ में नए साझेदारी फायदेमंद होंगे, नए संपर्क आपके लिए उपयोगी होंगे। छात्र अपनी मेहनत के आधार पर अच्छे परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। जो परियोजनाएँ लंबे में से आपके लंबित थे वह भी अब प्रगति करेंगे। आपको अपने परिवार से बहुत सारा प्यार और स्नेह की प्राप्ति होंगे। आपको इन 2 दिनों में मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होंगे और आपको अपने व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ और आपके दैनिक दिनचर्या में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको अपने निर्णयों पर उचित ध्यान देने होंगे। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप विशेषज्ञ से मार्गदर्शन ले लें। आप निवेश तो करें परंतु उन क्षेत्रों में निवेश करने की कोशिश करें जिनमें आपको अच्छी खासी प्राप्ति हैं, जिनमें आपको अच्छा खासा ज्ञान हो रखा है। मित्रों, आपको अपने दोस्तों की मदद से समस्याओं का हल पाने में मदद मिलेंगे। जिस व्यक्ति से आप काफ़ी ज़्यादा लगाव लगाए रहे थे उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकते हैं। आप महत्वाकांक्षाएँ उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आपका यह समय फायदेमंद साबित होंगे। आप उच्च अध्ययन नौकरी या व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप अपने आपको स्वयं के प्रयासों में आपको सफलता मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय में शामिल लोगों को किसी पुराने मित्र की मदद मिल सकते हैं। राजनीतिक या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को खुद को दृढ़ता से धन संबंधित मामलों में आप आगे बढ़ेंगे और इन 2 दिनों में राजनीतिक या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को फायदे होंगे, आपको अच्छे मुनाफे होंगे। पारिवारिक संदर्भ में आप अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर भी खर्च कर सकते हैं। व्यावसायिक संदर्भ में आपको लाभकारी विकास संभव होंगे जो भविष्य में आपको अच्छे खासे परिणाम दे सकता है। आप अपने पसंद की जगह पर स्थानांतरण हो सकते हैं। छात्रों को अपने कार्यक्षेत्र में, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई में मन लग सकता है। आर्थिक रूप से आप सुखी समृद्ध रहेंगे। नवीन सौदे भी आपको प्रगति देंगे। आपको परिवार और दोस्तों का अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। ऐसे मजबूत संकेत हैं कि अविवाहितों के लिए शादी हो सकती हैं, शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको आपके जीवन में कई प्रकार के नए और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे जो आपके जीवन को खुशनुमा बनाने में आपके सहायता भी अवश्य करेगा। मित्रों, आज का दिन आपको बता दें कि तुला राशि वाले जातकों को अपने परिवार और अपने सभी देवी देवताओं के पूजा और उपासना करने के बाद आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ कमाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो भी कार्य करें उनको पूरा करने के अवश्य कोशिश करें ताकि आपको अपने जीवन में कई प्रकार के सुख समृद्धियों की प्राप्ति हो सकें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप किसी मंदिर और किसी जगह घूमने भी जा सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मित्रों, आप जो भी कार्य करें उनको पूरा करने के अवश्य कोशिश करें। व्यापार व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा और आपको कार्य क्षेत्र में कई सारे अच्छे सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। मित्रों,
तुला राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार के सुसमाचारों की प्राप्ति होंगे। यह दो दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आपके व्यवहार में आपको कार्य क्षेत्र में करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा और आपको कई प्रकार के सुख सुविधाएं और आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी। हेलो मित्र।